तो हमारे साथ है कस्टमर, परचेसिंग भी उनका कंप्लीट हो चुका है, तो उन्हीं से जानते हैं ना कि भाई इशिता हाउस में आए हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, परचेसिंग का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा ओवरऑल। तो सर कैसे हो आप? नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते मैम। जय श्री महाकाल। अरे जय श्री महाकाल। अभी तो श्रावण मास चल रहा है और आप इसी अच्छे टाइम पर भी आए हो, तो बिजनेस के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से पहले तो आप बिलोंग करते हो? हम वही महाकाल की नगरी उज्जैन से। अरे वाह, वेरी गुड। और यहाँ पर आप सूरत फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ, फर्स्ट टाइम और फर्स्ट जॉब। फर्स्ट, तो आप नया स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस या ऑलरेडी है? नहीं, ये नहीं, नया स्टार्ट कर रहे हैं। और ये पहली शॉप है जहाँ हम विजिट करने आए थे जी, और सूरत में ये पहली जगह है। हाँ। और वहाँ से आपको कैसा लगा कलेक्शन वगैरह? नहीं, बढ़िया लगा। हम सिर्फ घूमने के से आए थे, लेकिन हमको अच्छा लगा तो हमने परचेस भी कर लिया। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्वालिटी वगैरह कैसी लगी? जैसा आपको कलेक्शन चाहिए था वैसा मिल गया? हाँ हाँ, वैसा मिल गया। स्टॉप भी बहुत अच्छा है, फ्रेंडली नेचर है, थोड़ा सा सजेस्ट भी करा क्योंकि पहली बार था जी, इतना एक्सपीरियंस हमको भी नहीं है। जी जी जी। तो इसलिए हमने फिर विश्वास कर लिया, विश्वास लायक लगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि होता है ना कि हम कोई बात करते हैं और हम जो है वो सुनते हैं और हमें अच्छी लगेगी, तभी हम वो चीज पर ट्रस्ट कर पाएंगे, वरना हम थोड़ा घूमते जी बिल्कुल, इतनी जल्दी परचेस नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहली बार आए हैं। एग्जैक्टली। और कोई भी हो, नया जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा डर होता है कि भाई सामने वाले जो बोल रहे हैं वो एक्चुअल है या नहीं, पर देख कर तो हमें आइडिया आ ही जाता है कि भाई हाँ, हम वीडियो में देखते हैं बहुत सारी चीजें, तो वीडियो में देखेंगे और लाइव विजिट करेंगे उसका एक्सपीरियंस अलग होगा, राइट? तो यही है कि आप भी यहाँ पर आए हो तो हमारे जो स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने कलेक्शन वगैरह सब प्रॉपर दिखाया, सबका लगा, ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार आए। बिल्कुल। और अप्रोक्सीमेटली कितने अमाउंट का परचेसिंग किया होगा अभी आपने? हमने शायद डेढ़ लाख। हाँ। वेरी गुड। चलो, घूमते घूमते आया है कस्टमर और परचेसिंग का भी कोई प्लान नहीं था, पर फिर भी सोचे कि 1.5 लाख रुपए का एक बड़ी अमाउंट है कि जो यहाँ पर उन्होंने परचेसिंग भी कर लिया है पहले ही दुकान, और वहाँ पर इतना अच्छा खासा उनको ट्रस्ट मिलता है, तो आप सोचिए कि यहाँ पर उनका विजिट करने का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहा है। तो मैं हर बार हमारे वीडियोज में भी यही चीज़ बोलती हूँ, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ऑनलाइन तो ऑप्शन है ही, पर ऑफलाइन एक बार कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले विजिट ज़रूर करो, ताकि एक आपका एक्सपीरियंस अलग होगा। चीज़ें बहुत सारी होती है, अब इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि हम अगर वीडियो के थ्रू जो है वीडियो कॉल के थ्रू भी दिखाएंगे तो इतना पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, और कई बार होता है आज दिखाया है 2-3 दिन बाद कस्टमर बोलेंगे कि ये चीज़ दे दो, तो कई बार आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाती है। तो हम कस्टमर को यही बताते हैं कि एक बार यहाँ पर लाइव विजिट ज़रूर करो, ताकि जैसे आपका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है तो वैसे ही हमारे कस्टमर्स जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा। हमारे बैकेंड जो टीम है वो आपके साथ कंटिन्यू कांटेक्ट में रहेंगे ही। हाँ हाँ, ताकि आपका पर्टिकुलर जो टेस्ट है, जो आपके यहाँ पर पर्टिकुलर जो टेस्ट चलता है, उस तरीके के जो भी नए नए कलेक्शन आएंगे उसके अपडेट्स आपको भेजते रहेंगे। बाय चांस कभी इमरजेंसी में कोई कलेक्शन मंगवाना हो तो आप कैश ऑन डिलीवरी थ्रू घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हो, पर कभी भी सूरत आ रहे हो तो इशिता हाउस जरूर विजिट करना है। ठीक है, और थैंक यू सो मच, हमारे व्यूअर्स को भी इतना जेन्युइन रिव्यू दिया उसके लिए धन्यवाद। नहीं, जो सच था एक्चुअली वही बोला। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो हमारे साथ कस्टमर बैठे हैं, उनको हम पूछते हैं कि कैसा रहा उनका जो यहाँ पर इशिता हाउस विजिट करने का एक्सपीरियंस, तो उन्हीं से जानते हैं कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है। नमस्ते मैम। नमस्ते। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? नेपाल से, काठमांडू से हम। ओके। और सूरत फर्स्ट टाइम आए हो? जी जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, आज सुबह ही आए जी, फर्स्ट टाइम यहीं पर आए, इशिता हाउस से आपके कॉल किए थे। जी जी जी, यहीं पर आए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आइटम सब बहुत अच्छा है। बिल्कुल, आपको जैसा कलेक्शन चाहिए था वैसा मिल गया? जरूर, बहुत अच्छा लगा, कुछ तो हम खरीद ही नहीं पाए। अच्छा, और भी खरीदना था, क्या करें, बजट का है। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे ही आपका वापस से बजट बनता है विजिट कीजिएगा जरूर, या तो फिर हमारे टीम एग्जीक्यूटिव तो है ही कि जो आपके साथ अब पीछे पड़ जाएंगे, आपको जैसे नए कलेक्शन, बहुत अच्छा टीम है, बहुत हेल्प किए जी, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है जी। और जैसे आपको चाहिए थी क्वालिटी वाइज आपको सारे कलेक्शन मिला, बहुत रेट वाइज भी परफेक्ट है। रेट वाइज भी, और जो टीम एग्जीक्यूटिव है कि जिन्होंने कलेक्शन दिखाया उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत मिलनसार, बहुत अच्छा। ओके। और कितने अमाउंट का अप्रोक्सीमेटली परचेसिंग किया होगा अभी आपने? 3 लाख। ओके। पर जैसे मैंने बताया ना कि नेक्स्ट टाइम कभी भी प्लान कर रहे हो इशिता हाउस ही जरूर आएंगे, बाकी हमारी जो बैकएंड टीम है वो तो आपके साथ रहेंगे कांटेक्ट में, और ऑनलाइन भी अगर ऑर्डर करवाना चाहो तो ऑनलाइन भी आ जाएगा, ऑफलाइन यहाँ पर विजिट तो आप कर ही सकते हो कभी भी आ रहे हो तो। और ट्राई कीजिएगा कि मैक्सिमम जो लोग ये बिजनेस में आना चाहते हैं
उनको भी आप बता पाओ कि अगर नया बिजनेस कोई स्टार्टअप कर रहा है आपके फैमिली में से या आपके फ्रेंड्स में से, तो उनको भी यहाँ का जरूर सजेशन दीजिएगा, ठीक है? जरूर बताएंगे, बहुत अच्छा है, सब टीम ही अच्छा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, और हमारे व्यूअर्स को भी इतना जेन्युइन रिव्यू दिया उसके लिए धन्यवाद मैम। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। कहाँ से बिलोंग करते हो मैम? बुलढाणा। कहाँ बिलोंग? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। सूरत आप फर्स्ट टाइम आए हो? या फर्स्ट टाइम आए हैं। तो बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हो या एग्जिस्टिंग? एग्जिस्टिंग था 6 मंथ्स पहले से। ओके, तो पहले कहाँ से परचेसिंग वगैरह होती थी? पुणे मुंबई से। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन देखा था तो यहाँ पे आए फिर। ओके, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा था, एटलीस्ट हमने इतना सोचा नहीं था इतना अच्छा होगा। लाइक कस्टमर्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, हर स्टाफ मतलब अटेंशन दे रहा है, सब बिहेवियर सबका बहुत ही अच्छा, हॉस्पिटैलिटी बहुत ग्रेट, बहुत अच्छा है। और कलेक्शन वगैरह आपको जैसे चाहिए थे वैसे मिला? वैसे मिला। क्वालिटी वगैरह अच्छी थी? यस, एब्सोल्युटली। और अप्रोक्सीमेटली कितने अमाउंट का परचेसिंग किया होगा? नियर अबाउट 1,50,000। ओके, और आप पहले बाहर से परचेसिंग कहीं से भी कर रहे थे? बॉम्बे से कर रहे थे, पुणे से कर रहे थे, तो वहाँ और यहाँ का कुछ डिफरेंशिएट लगा? प्राइस वहाँ पे ज्यादा थे एज कम्पेयर यहाँ पे। ओके, सो और क्वालिटी में भी थोड़ा। ओके, बस यही है कि हमारे व्यूअर्स को आप ये सब जिस तरीके से मैसेज दे रहे हो ना, तो उनको थोड़ा सा ये चीज़ आइडिया आएगा कि विजिट करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली एटलीस्ट लाइफ टाइम में वन टाइम तो यहाँ पे विजिट करना चाहिए, क्योंकि बहुत कलेक्शन बहुत अच्छा है और स्टाफ बहुत अच्छे हैं, कस्टमर्स को लाइक एज इन बोलते हैं अपने ही यहाँ पे, मीन्स इन इंडिया वी से दैट कि भगवान होता है कस्टमर, सो इट्स दैट कि लोग आए यहाँ पे देखे कि स्टाफ कैसा बिहेव करते हैं, कलेक्शन कैसा है, क्वालिटी कैसी है। जी वही, बिल्कुल वही है। तो आप भी कभी भी सूरत आ रहे हो तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। बाकी मैम आपके साथ तो हमारी जो बैकएंड टीम भी है वो भी कंटिन्यू कॉन्टेक्ट में रहेंगी कि आपका एक पर्टिकुलर टेस्ट है वो यहाँ पर नोट डाउन रहता ही है, तो जैसे ही कुछ नए प्रोडक्ट्स आते हैं बन करके तो आपको अपडेट दे देंगे। बाई चांस अगर विजिट नहीं कर पा रहे हो, इमरजेंसी में कलेक्शन चाहिए, तो आप कैश ऑन डिलीवरी थ्रू भी कर बैठे ऑर्डर कर सकते हो, राइट? पर कभी भी सूरत आ रहे हो तो इशिता हाउस जरूर विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम तो हम तो यहाँ पे और सोच रहे हैं दिवाली में यहाँ पे और अगेन विजिट कर रहे हैं। आई फील के आप जब अभी यहाँ से जाओगे और जो कलेक्शन आपके पास आएगा आपको विदिन अ वन मंथ ही आपको वापस आना पड़ेगा कि भाई आ जाओ, कलेक्शन हमारे खत्म हो गए हैं, हम लोग वापस से आ गए हैं। तो बस वही है, बेस्ट ऑफ लक, और बस जब भी सूरत आ रहे हो वापस विजिट जरूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, हमारे व्यूअर्स को भी इतना जेन्युइन रिव्यू दिया उसके लिए धन्यवाद।